आज हम लोग बिहार सितारे के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ परजा जी हैं और इनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो चुका है एलयू के पद पे, और आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। मेरा नाम परजात परिमल है, इस साल 68 बीपीएससी है मेरी, 116 रैंक थी और एलयू मिला है। मेरी ग्रेजुएशन वगैरह यहीं दिल्ली से ही हुई है, उसके बाद मैंने यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो कुछ क्लियर हुए कुछ नहीं हुए, तो फाइनली लेकिन मेरा सिलेक्शन यहाँ बीपीएससी 68 में हो गया है, एलयू मिला है। बताइए कि जैसे सिलेक्शन होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद बहुत अंतर अगर महसूस आदमी हर स्टूडेंट करता ही है, तो आप कैसे महसूस करते हैं ये हमें थोड़ा बताएं। सिलेक्शन होने से पहले एक इनहेरेंट प्रेशर रहता था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, अब वो एक तरह से प्रेशर रिलीव्ड है, और अब ये भी लगता है कि एक लॉन्च पैड तो मिल ही चुका है, तो अब इसके ऊपर ऊंची उड़ान और भरी जा सकती है। तो ये एक मेन डिफरेंस पड़ता है सिलेक्शन होने और उससे पहले के दौर। अगला क्वेश्चन है परजा जी कि जैसे ध्येय के आपके सफलता में कितना योगदान रहा है? सबसे पहले तो अभी जो लास्ट हुआ था कि ध्येय आईएएस में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो वो मतलब काफ़ी इन्फॉर्म्ड पैनल था, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा पैनल मुझे ध्येय का लगा था। इसके अलावा भी प्री और मेंस में जो टेस्ट सीरीज थी उसका काफ़ी योगदान रहा था। उसके अलावा ध्येय की एक बुक आई थी एसए की, वो भी काफ़ी मददगार थी, और बुकलेट्स थी उसकी बाकी सब्जेक्ट्स की भी, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि क्वेश्चंस बिहार में नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, तो उसमें चीज़ें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी हुई थी, तो उससे मतलब काफ़ी डायरेक्टली रेप्लिकेट कर सकते थे जो हमने पढ़ा है उसी को, तो वो काफ़ी ईजी हो गया था ध्येय की बुक्स पढ़ने से। लास्ट क्वेश्चन परजा जी है कि जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 70 एक एग्ज़ाम देने वाले, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, और जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो उनको एक आपका एक्सपीरियंस भी है बीपीएससी का, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर इस तरीके से बच्चे करेंगे तो उनको सफलता सुनिश्चित हो जाएगा? जैसे बीपीएससी या किसी भी अलग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सबसे ज़रूरी है कि उस एग्जाम वो एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आइडिया हो जाएगा कि उस एग्ज़ाम का स्कोप क्या है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का स्कोप पता नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें किस टाइम फ्रेम में क्या चीज़ पढ़नी है। जैसे अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 30 सितंबर को पेपर है, तो मेंस और प्री के लिए बहुत हमारे पास एम्पल टाइम है, तो इसलिए मेरा कहना यह होगा कि पहले जो मेंस के स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो बिहार स्पेसिफिक जो डेटा फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो, या कोई जो साइंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप डेवलप कर लें, उसके बाद आप डेफिनेटली प्री के लिए अलग अलग से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि प्री में वो बहुत कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लेकिन मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहना यह होगा कि पीवाईक्यूज देखें, उसका एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रैटेजी बनाएं टाइम फ्रेम के साथ, क्योंकि हमारे पास एक गिवन टाइम है, और बहुत सारे सोर्सेज पर ना जाएं, क्योंकि अगर बहुत सारे सोर्सेज पर जाएंगे तो एक सोर्स जो हम बार बार रिवाइज कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इन शॉर्ट यही होगा कि एक प्लान बनाएं, पहले पीवाईक्यूज देख लें, फिर प्लान बनाएं और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, और साथ में उस प्लान को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कोई चीज़ ना हो, जैसे हमने सोचा होगा कि पॉलिटी हमारी 15 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मान लीजिए 30 दिन खींच गई, तो उस हिसाब से प्लान को इम्प्रोवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम भी जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, वैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी में भी इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमारे साथ परजात जी थे, और आशा है कि आप लोग को सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।